फिर चले गया भाई ये, ऐसे करता है जब मैं किधर को जाता हूँ ना, किधर भी जाता हूँ यहाँ जाता है मेरे साथ। तो आज की शुरुआत भी कुछ इस टाइप से हो रही है कि आज भी जा रहा हूँ मैं पहले घास लगाने के लिए सुबह सुबह। मम्मी सुबह सुबह उठा देती है मेरे को कि पहले वाले सबसे पहले घास लगाना है और कुछ काम नहीं है भला सूझ के मैंने में। मैं कहा चलो ठीक है काम ही कर लेते हैं और क्या करना है। तो चलिए अपनी वीडियो की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं पहले पहले। तो मेरा नाम है नीरज रावत, मेरे खूबसूरत प्यारे से गांव का नाम है बेलतला, जो कि पौड़ी गढ़वाल के रिखनी खाल ब्लॉक में पड़ता है। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा घुमा फिरा के बोलता हूँ, लोगों को समझ में आता होगा नहीं आता होगा ये मुझे नहीं पता, बट ऐसे बोल देता हूँ मैं, मतलब सीधे बताता हूँ आपको। उत्तराखंड देवभूमि पौड़ी गढ़वाल रिखनी खाल ब्लॉक और उसमें बेलतला गाँव। ठीक है, अब ठीक से ना ठीक लाऊ। तो माता जी अब एक और बार परेशान कर दिया मेरे को, एक बार वहाँ पे लगाया था मैंने घास और देन आज यहाँ पे लगाने के लिए बुलाया मम्मी ने, पर मम्मी सुबह सुबह परेशान कर देती है मेरे को। मैं उठता हूँ ऐसे 9-10 बजे और मम्मी आजकल मुझे 6 बजे उठा दे रही है, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है मेरे को, परेशान कर देते हो यार आप मुझे कसम से। सूरज आ रहा है आज उसे करना परेशान, अरे एक ये कर देता मुझे परेशान, जहां मैं जाऊं वहां आ जाता है। आज इतना घास है भाई, ये देखो आज इतना इतना घास फेंकना है मेरे को, और मम्मी भी चिल्ला रही है मेरे पे। अल्लो आज का भाई लास्ट वाला पुलू हमारा छोटा सा सबसे लास्ट पुल भाई, ये देखो बाकी कंप्लीट हो ही गया है, ये लास्ट वन है इसके बाद नहीं है। लो अब हमारी बारी खत्म, ठीक है अब हम जा रहे हैं, ये देखो भाई पूरा फिनिश कर दिया है। ओके बाय गाइस, बाय, हम निकलते हैं अब इन कुम्मरों के रास्तों से। गाइस क्या आप इस चीज को जानते हो क्या है ये, जो ये खतरनाक चीज है आप इसे जानते हो, देखो ये जो ये पहाड़ी लोगों बताओ इसे जानते हो आप, और ऐसे ही रास्ते से जा रहा हूँ मैं अब। ठीक है इसे साइड करते हैं, ओ भाई गिर गया तेरे, ये देखना भाई अभी ये फिर आ गया। अब तुझे चैन नहीं मिलता भाई मेरे बगैर है, मेरे बगैर चैन नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता। क्या चाहिए अब तुझे, चाहिए क्या तुझे भाई मेरे से, चाहिए क्या ये बता दे मुझे, भूख लगी है तेरे को, हट खजी साले खजी खजी खजी। ये देखो भाई और धूप भी आ चुकी है, तो जय सूर्य देवता, ओम नमस्ते नमस्ते नमन नमः, जय सूर्य देवता। A few moments later. अभी दोस्तों घास लगा के भी आ चुका था मैं, बाकी थोड़ा हमने मैं आया थोड़ा बैठा लेटा थोड़ा आराम कर रहा था, तो जब ही मेरे भाई का कॉल आ गया कि पल मैं आ गया ऊपर, तो चलिए चलते हैं हम। पल लोग पीछे देखो धूप इतनी कैंट लगी है ना, क्या ही बताऊँ आपको, आ जाएगा ठंडे ठंडे पानी से नहाने में मज़ा। बाकी इस रास्ते का हाल ऐसे ही है भाई, प्रधान जी प्लीज़ इस पे कुछ काम करो यार, प्लीज जल्दी कर दो भाई, मुझे पता है आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप जल्दी इस पे काम करने की कोशिश करो यार भाई, प्लीज प्लीज ब्रो। तो अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं ठीक रोड में, ठीक है वह कुछ ही हो, क्या हाल है ब्रदर क्या हाल है, तुम भी आ गए क्या, जय श्री राम जय श्री राम, क्या हाल है माल तुम्हारे क्या, दिल्ली से क्या पटाखे उठाके गया इसमें, पाँव नहीं छूते यार अब बड़ी। और गुल्लू हमारे साथ गुल्लू जुड़ चुके हैं, गुल्लू प्रणाम प्रणाम, पेपर है क्या तेरा, अरे गुल्लू इधर तो देख यार, इधर तो देख यार,
क्या क्या सब्जेक्ट है पेपर चार्जिंग तो बता दे। सामाजिक आगे यार घास काटी भाई। A few moments later. तो क्रिस भाई तो निकल रहा है कॉलेज में, ठीक है। तो मैं अरे क्या पता मैं भी आऊँ कॉलेज, अभी मेरा काम है कॉलेज में, तो कॉलेज में मिलता हूँ आपको, ठीक है। बाकी भाई मेरे लिए इतना बड़ा बैग रखा भाई ने, और तू ले जा भाई। ये भाई घर रहे मिलते हैं फिर, ठीक है शाम को। मेरी बहन ने मेरे को परसों एक अच्छी लाइन गई थी कि बल तू घर में है और सिर्फ तू बल किस लिए है, बोले लोगों के बैग सारने के लिए, बैग ऊपर रखने के लिए। मैंने कहा वाह ये भी सही है, मैंने कहा बहन। अरे ये देखो हल्का सामान ले जा रहा है बस। More moments later. भाई घर आया और घर से देखो फिर चल ले गया, ये देखो ये चले गया, माता जी कपड़े धो रही है मेरे, अभी नहाया था मैं, और विजय और हमारे दीपू भाई। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, ठीक है गाइस। तो अभी आपको मार्केट ले चलते हैं, आ जाओ। तो भाई अभी मैं रिंगनी खाल में पहुँचा, और रिंगनी खाल की हवा भाई इतनी तेज है कि क्या ही बताऊँ, आवाज़ भी आ रही हो कि नहीं मेरी। बाकी मैं यहाँ दुकान में चल रहा हूँ, रितुआ रखे उसने बुलाया मेरे को, पता नहीं क्या बात होगी। चाची जी प्रणाम। वाह रितु क्या करनी चाहिए तू? ये लो आपके लिए जीजू जी। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। मेरा एहसान रहा इन पे। अगली बार आपकी बारी, न मिल के ले आना, हमारे यहाँ तो कुछ होनी नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इसके लिए। वेलकम वेलकम। हमें तो मेरे से तो कोई एस्पेक्ट नहीं आ गया। असाइनमेंट किस चीज का? अब विद्यार्थी अब काम से हम करे मैं भी। अरे अपार गॉड आया, ओ गॉड बदू अरे गलत बोल दिया था भाई गलत। अरे देख तुम अजना गौड़ है बंडे दिखे नहीं तुम्हें। अच्छा अच्छा मेरे चैनल है YouTube में लेग मोर रिंगनी खाल के नाम से, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। अच्छा रिंगनी खाल के सारे झगड़े हम उसमें दिखाते हैं। झगड़े सही चीजें दिखाया करो, दिखाते हैं रिंगनी खाल का आपको माहौल दिखाएंगे हम, कुछ दिनों में आपको रिंगनी खाल स्कूल का पूरा प्रांगण दिखाएंगे, कृपया। तो भाई के चैनल को चलो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। हम तो काम कर रहे हैं, ओपे ठोकेल साहब भी आराम से जाए, ठीक है बाय बाय। अब बाकी काम करें वाला, मार्केट से आ गए अभी, और मार्केट थोड़ा काम था, काम कुम करा, फिर देन अभी आ चुके हैं और थोड़ा खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, बड़े भाई को भी खाना वाना देते हैं। चलो भाई अब फील्ड में खेलने टाइम हो चुका है, अब खेलेगा, और अब हम जा रहे हैं खेलने। और ओ पल सालो पंडित जी ने चिल्लाना ही नहीं, चिल्लाना ही, क्योंकि बंदर आ रखे उसकी साइड में, और बंदर भगाने पर लगा हुआ है हमारा राहुल भाई, हमारे पुरोहित जी, खूब लग रहा है कल। देखो सब बुलाता हूँ मैं, राहुल भाई, ओ राहुल भाई, भाई सुन मेरा भी बंदर भगाने में बिजी हो रखा हमारा राहुल भाई, हमारे पंडित जी। तो चलो भाई खेलने निकलते हैं, मेरे को पढ़ने वाली है गाली, क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुँचने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं गाली सुनूँ, इसलिए जल्दी से निकलता हूँ और खेलते हैं। आजकल हम यार कम ही प्लेयर हो रखे हैं, ज़्यादा खेल ही नहीं पा रहे, और तब मज़ा भी नहीं आ रहा है, उतना इंटरटेनमेंट नहीं आ रहा है, पर क्या पता आ जाए। आज सिलबेड़ी गांव के आ रहे हैं खेलने के लिए, और लड़के भी आए, देखो मज़े लेंगे। चलो भाई बैठ और किली लेके तो आ गया मैं, अब देखते हैं फील्ड में कितने पहुँचे हैं, कुछ आइडिया नहीं मेरे को। तो ये रहा हमारा फील्ड, और चार आदमी आ रखे हैं बस, मात्र चार। तो यहाँ हो गया भाई मैच स्टार्ट, और हमारी आ रखी है सबसे पहले बॉलिंग, और तुम्हारा भाई लग रखा है स्टेट पे, इस बॉल पे छक्का है, और मैं ठीक है यहाँ पे लग रखा हूँ, ये देखो। अब देखते हैं गेम में क्या होगा, फर्स्ट गेंद भी जाएगी और डॉट गेंद, गुड बॉलिंग।